रेखा और अमिताभ के मोहब्बत की दास्तान तो किसी से छिपी नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि रेखा फिल्मों में आने से पहले भी एक एक्टर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी? चलिए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। रेखा अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं और अपने जमाने में वो एक बिंदास एक्ट्रेस हुआ करती थी। रेखा जो भी कहती थी बिल्कुल बोल्ड और बिंदास तरीके से कहती थी। रेखा की एक इंटरव्यू हमारे ही मैगजीन मायापुरी के अंक नंबर 117 से हमने लिया है, जिसमें रेखा ने अपने प्यार का जिक्र किया है। रेखा ने बताया कि किस तरह उन्हें जीतेंद्र से प्यार हो गया था। रेखा ने अपने उस इंटरव्यू में बताया था कि हाँ, मैं जीतेंद्र से मोहब्बत करती थी, वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। स्कूल के दिनों में मैंने जीतेंद्र की फर्ज बार बार देखी थी। बम्बई आने का भी मेरा यही सपना था कि जीतू से मिलूंगी और उनके साथ काम करूंगी। मैं उस जमाने में उनकी पूजा करती थी और तकिए के नीचे उनकी तस्वीर रखकर सोती थी, पर जब मैंने उनके साथ काम किया तो सारे सपने चूर चूर हो गए। मैंने उनकी एक एक फिल्में 14 बार देखी थी, पर जब मेरा सपनों का राजकुमार सामने आया तो उसने मुझे कभी लिफ्ट ही नहीं दिया। उसका दिल नहीं था, पत्थर था। जब भी कोई निर्माता हम दोनों को एक साथ लेने की सोचता तो वो फौरन मुमताज का नाम ले लेता। इससे मैं बेहद टेंशन में आ जाती थी और यही सोचा कि दोबारा कभी उनके साथ काम नहीं करूंगी। पर जब मुझे इस बात की जानकारी हो गई कि उन्होंने मुमताज का नाम बार बार क्यों सुझाव दिया, तो उनके लिए मेरे दिल में और भी इज्जत बढ़ गई। जब कोई मोहब्बत करता है तो यही करता है, और उनकी जगह अगर मैं भी होती तो ऐसा ही करती। फिर रेखा ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया कि जब जीतेंद्र की शादी शोभा कपूर से हो चुकी थी, उसके बाद वो बिल्कुल बदल गए थे। फिर रेखा ने उनसे एक बार फिर बिंदास होकर पूछा कि काश आप पहले ऐसे होते और मेरी मोहब्बत का जवाब दे देते तो आज मैं कुछ और ही होती। वेल, रेखा की इस लव स्टोरी के बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे।